junior. You are not less. Please, yeah, please. Hi, teachers, we welcome on Sunday. Thank you. So, hi, teachers, we welcome on Sunday. Thank you. अब आप बताइए experience सबसे ज़्यादा. Experience बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला, ऐसे-ऐसे stunts थे जो अपने जो मुझे test कर रहे थे. और बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, पर ये शो आपको अपने बारे में, अपने खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है. जब ऑफर आया था ये शो का तो कैसा लगा था? इमीडिएट हाँ बोला आपने या थोड़ा टाइम लिया? नहीं, इस शो के लिए मैंने इमीडिएट हाँ बोला था. मुझे मेनली मेरा मोशन सिकनेस के साथ बहुत प्रॉब्लम है, तो जब ऐसा उल्टा लटकना होता है, उल्टा देखना होता है या चलना होता है, मेरे लिए बहुत डरावना हो जाता है. ऐसे बहुत सारे स्टंट्स थे और आई थिंक बहुत से चीज़ों के ऊपर आ चुकी हूँ मैं, लाइक आई हैव गॉटन ओवर इट बट नॉट कम्प्लीटली, इट्स स्टिल देयर. सबसे आई थिंक अदा, करिश्मा, अमृता, सभी के साथ बहुत क्लोज हो चुकी हूँ आई थिंक. यस, वो असल में भी ऐसे ही हैं, वो बहुत नरम दिल के हैं और बहुत सख्त होते हैं. अगर मैं अच्छे से रहूं तो मेरे साथ बहुत स्वीटली बात करते हैं, अगर मैं मस्ती करूं तो मुझे डांट भी पड़ती है. तो कौन सा स्टंट करते टाइम सबसे ज़्यादा डर लगा? मुझे सच्ची में एक भी ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगी, बट सारे ही स्टंट्स बहुत टफ थे. अभी नहीं, अभी भी फोबियाज तो है, ऑफ कोर्स शो की वजह से थोड़े कम हुए हैं, पर हाँ फोबियाज तो अभी भी है. ये रियलिटी शो बाकी शो और सीरियल से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, तो कितना फ़र्क लगा आपको इसको बनाने? बाकी रियलिटी शो से बहुत अलग है क्योंकि इसमें कोई माइंड गेम्स नहीं खेलने. अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप जेन्युइनली इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आपने स्टंट्स परफॉर्म किए हैं और अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ समथिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द शो. इसी वजह से मैंने इस शो को ऑप्ट किया. तो अभी इसके बाद व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? लेट्स सी आई एम इन टॉक्स विद समथिंग एंड लेट्स सी. बहुत जल्द. नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. जब आएगा मैं तब सोचूंगी. आपने हमेशा मुझे मेरे रोल्स के लिए पसंद किया है. मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मैं जैसी हूँ एक्चुअली तेजस्वी प्रकाश के लिए मुझे पसंद करें. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.